हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम लोग अपने रूम के पास पहुंच चुके हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। देखिए जा रहे हैं, श्वेता जी को बुलाया जाए। देखिए श्वेता जी बैठी है, ये अपनी शादी की तैयारी कर रही है। फाइनली हम लोग अपने रूम पर लखनऊ पहुंच गए हैं। और इधर गोलू को देख लो, गोलू आज बहुत गलत गलत हरकतें करती रहती है। अब एक काम करो, चाय बनाओ, ठीक है? चाय बना रहे हैं हम लोग। और ये सुविधा दीदी की पढ़ाई कर रही थी बहुत देर से, पढ़ाई नहीं कर रही, अपनी शादी की तैयारी कर रही है। अच्छा, ये बात है सर, इन शादी की तैयारी जरूर करिए। लॉकडाउन में सबकी शादी निकल जाएगी तो कम खर्चे में निकल जाएगी, अच्छी बात ये है। कहने का मतलब थोड़ा सा लोग कमाएंगे, खाना कम बनेगा, ये चीज तो कम ही रहेगा ना। खर्चवा तो खैर दहेजवा तो देना हो देना ही है। तो ये हमारी चाय बन रही है, चाय रेडी हो रही है। इधर अदरक रखा हुआ है, इधर श्वेता दीदी बैठी हुई है, कैसे मुँह छुपा रही है। इनकी शादी होने वाली है, आप लोग आ सकते हैं शादी में, बाहर में दिखाएंगे। और ये बैठी हुई है चाय पीने के लिए। चाय हम पीते ही नहीं, हम नहाने के लिए बैठे हैं। नहाने के लिए बैठी हो तो तुम एक काम करो, नहाओ, हम लोग चले चाय पीने। हाँ तो बंद है। चलिए अभी हम चाय पीने जा रहे हैं। फाइनली हमारा चाय हो गया बिल्कुल रेडी। पीछे एक और उतर आओ, तुमको बुला रहे हैं लोग यार, इतनी है। भूत इधर दिख रहे हैं, भूत नहीं इधर तो आओ, इसको खोलो तो, रस कम से कम खोल तो दो। खोलोगे नहीं कैसे पता चलेगा कौन खोल रहा है। ये रस हमारा खोला जा रहा है, इसको हम चाय में डुबो के खाते हैं। गिराइएगा मत, नहीं कि चूरा खून गिरा दे दूंगी। अपने शादी के बारे में खुश होते हैं, खुशी के मारे पागल हो गए। इन लोगों की शादी होती तो बहुत खुश होते हैं। पेपर भी नहीं दिख रहा, पेपर भी नहीं दिख रहा, शादी पहले दिखनी चाहिए। हाँ नहीं सही रहेगा, पहले शादी जरूरी, उसके बाद पेपर तो जिंदगी भर होते रहेंगे। शादी तो जिंदगी में एक ही बार होगी ना, पेपर तो जिंदगी में कितनी बार दिए जाएंगे। तो कैसे आप लोग कमेंट बताइएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किए वो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। पिछले 1.5 घंटे से ये लोग पता नहीं क्या आटा सान रही हैं, आटा बना रही हैं, अभी तक एक भी पूड़ी तैयार नहीं हुआ। और हमको लगा है भू, क्यों रितु तुम कुछ एक्सप्लेन करोगी? लायक तो हो तुम यार एक्सप्लेन करना। और इधर एक प्रतिभा नाम की लड़की है, ये भी आई है, तो ये भी पिछले 1.5 घंटे से ये मतलब रही है। रोटी भी ले जा रही है, रोटी भी ले जा रही है हमके। बस निकलने वाला तैयार हो गया है। तैयार हो गया, ठीक है, अच्छा तैयार हो गया। और वो उसमें क्या बन रहा है? चावल बन रहा। तो फाइनली गाइस हमारा जो है वो छोला बन चुका है, बढ़िया मस्त चने का। और इधर क्या है, ये चावल बन गया और ये पूड़ी बन रहा है। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर घूमने चलेंगे। नहीं नहीं घूमने नहीं जाएंगे, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा अकेले थोड़ा कुछ काम से लखनऊ में घूमने के लिए। हम क्या पता हम वीडियो ऑन ही नहीं किए थे और बस फ़ोन लिए हुए थे, हम भूल गए थे। चलो खाना निकलो, खाना निकलो। अब हम लोग का खाना निकलने जा रहा है, सब लोग एक साथ खाएंगे साथ। और ये हमारी पूरी तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक थाली में हम खा लेंगे, एक थाली में आप लोग खा लीजिएगा, एक थाली में ये खा लेगी, एक थाली में आप खा लीजिएगा, चार थाली है ना। बोलो ये रहा मस्त फ्राई चावल, फ्राई चावल नहीं देते चावल। और ये रही हमारी चने की सब्जी, छोला, क्या है ये छोला है ना, मस्त बनाई जी का। आज बिना आलू वाला छोला हम पहली बार खा रहे हैं, खा लेंगे, तेल भी दिख रहा है, चटकार दिख रहा है, सही है। तो फ्रेंड्स बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।
चलो गोलू।